दोस्तों, छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी ने बैक टू बैक सीरियल्स के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था, जहां उन्होंने वजह तुम हो और खामोशिया जैसे बड़े बजट की फिल्मों में काम किया। लेकिन काफी समय से अभिनेता गुरमीत चौधरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर थे, जिसके चलते दर्शक इन्हें पर्दे पर देखने की डिमांड कर रहे थे। तो गुरमीत चौधरी के दीवानों, बस अब आपका इंतजार न यही खत्म हुआ, क्योंकि आपके फेवरेट अभिनेता जल्द ही कम बैक करने वाले हैं, वो भी एक बड़ी बजट की फिल्म के साथ, जिसका नाम है द वाइफ। जी हाँ, खबरों के मुताबिक हमें जल्द ही द वाइफ फिल्म देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको द वाइफ फिल्म के बारे में बताने वाले हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी, कौन सी होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म कब तक रिलीज की जाएगी। अगर आप भी गुरमीत चौधरी की इस अपकमिंग फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2015 में करण दारा द्वारा निर्देशित की गई हॉरर फिल्म खामोशियां से अभिनेता गुरमीत चौधरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, जहां ये इस फिल्म में अभिनेत्री सपना पम्मी के ऑपोजिट जयदेव का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसकी इस हॉरर स्टोरी के साथ साथ अभिनेता गुरमीत चौधरी के अभिनय को भी खूब पसंद किया गया, जिसके चलते इन्हें आगे चलकर पलटन और वजह तुम हो और साथ ही लाली की शादी में लड्डू दीवाना जैसी कई और फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिनमें हमें इनकी हर एक फिल्मों में इनका अलग अलग अंदाज देखने को मिला था। तो वहीं इनके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन करने में भी सफल साबित हुई थी। लेकिन इन फिल्मों के बाद से ही इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, जिसके बाद से ही लोग इन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब हो रहे थे। अब दर्शकों की यही बेताबी खत्म हुई। जी हाँ, खबरों के मुताबिक जल्द ही अभिनेता गुरमीत चौधरी बड़े बजट की फिल्म द वाइफ से बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचाने के लिए आ रही हैं। बताया जा रहा है कि द वाइफ फिल्म एक हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसका डायरेक्शन बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर सरमद खान संभाल रही हैं, जिन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट यूं तो साल 2020 में ही कर दी थी, लेकिन किसी अदर प्रोजेक्ट में बिजी होने के चलते इन्होंने इस फिल्म को अब बनाने के बारे में सोचा है, जिनका पोस्टर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। पोस्टर में बताया जा रहा है कि ये एक विवाहित जोड़े के इर्द गिर्द घूमती हुई एक कहानी होगी, जो कि जल्द ही अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब इस शादीशुदा जोड़े के इर्द गिर्द एक बुरी आत्मा का वास होने लगता है, जो कि इन जोड़ों को तबाह करने का काम करती है, जिसके चलते इन्हें एहसास होता है कि इन्हें ना केवल अपनी शादी बचानी चाहिए बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बचानी चाहिए। बस यही है फिल्म की स्टोरी, जिस पर काम तो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन इससे बड़े लेवल तक पहुँचाने के लिए इसमें अभी एक्स्ट्रा एडिटिंग की जा रही है, जो आपको आखिरी समय तक इस फिल्म से बांधे रखेगी। अब आप यही सोच रही होंगे ना कि इतनी इंटरेस्टिंग हॉरिबल स्टोरी है तो फिल्म के कलाकार कौन होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि फिल्म में लीड रोल अभिनेता गुरमीत चौधरी निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं इनका भरपूर साथ देंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी दत्ता, जिनके बीच हमें ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिल्म में और कौन कौन से किरदार नजर आएंगे, इस बात की अभी कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन दर्शकों ने अभी से ही फिल्म के लिए ज़बरदस्त एक्साइटमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं द वाइफ फिल्म को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में जानने और उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।